अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर जी, आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम लोग असल में 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। सिंपल थे, इजी थे। अगर आप उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम जो हमारे पास टॉपिक है फाइंडिंग पोजिशन फ्रॉम वेलोसिटी, ये भी हमारे पास वैसे के वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने जो है ना वो पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो है ना वो क्वेश्चन किए। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा है तो ये लेक्चर बिल्कुल ईजी आपके लिए होने जा रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल एंड इजी है। इसके अंदर भी हमने वही काम करा जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके अंदर भी हमने फाइंड करना है कि जो हम उसने फंक्शन दिया हो, ये बेसिकली किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। उसके बाद उसने हमें कंडीशन दी है, वो कंडीशन उसमें पुट करेंगे, सी की वैल्यू निकल आएगी, फिर सी की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इजी है, आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो अभी तक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेकर बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो टाइम के लिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलें जी, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 की। बात करते कहते हैं v इज इक्वल टू 9.8 t प्लस 5, और जो आपने उसने आपको जो ना इनिशियल कंडीशन या इनिशियल पोजीशन दी है वो जो आपके पास s ऑफ 0 व्हिच इज इक्वल टू 10। यहां पे बेसिकली जो है ना वो 0 बेसिकली यहां पे t है और 10 बेसिकली आपके पास v है। ठीक है जी, अब देखें यहां पे उसने बेसिकली में क्या बोला हुआ है। कहता है जी गिवन द वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds / dt, उसने जो है ना वो डेरिवेटिव आपको फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है। एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन, और उसने आपको इनिशियल पोजिशन या इनिशियल कंडीशन दी हुई है। फाइंड द ऑब्जेक्ट्स पोजिशन एट टाइम टी, इस ऑब्जेक्ट की जो है पोजिशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ये तो क्योंकि उसने डेरिवेटिव दिया हुआ है, पहले हम ये फाइंड करेंगे ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हम रफ अमल में, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं कि रफ अमल में हम जो इसकी इंटीग्रेशन करके चेक करते हैं कि बेसिकली किस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ये वाला फंक्शन आता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को टी को जो है ना वो उसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो है ना वो उसको 10 के इक्वल रखेंगे। मैं जब करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। फिर एंड में हमारे पास जब सी की वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू को हमने उस फंक्शन में पुट करना है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेके जो हम लोग बेसिकली चेक करते हैं किसका जो है वो फंक्शन है। यहाँ पे बेसिकली वी हमारे पास किसके बराबर, उसने हमें क्वेश्चन में दिया वो ds / dt के बराबर। ds / dt यहाँ पे लिखी, इसकी इंटीग्रल यहाँ पे ले लें, और यहाँ पे भी आपके पास इंटीग्रल ऑफ 9.8 t, उसके पास जो है ना उसके बाद आपके पास प्लस इंटीग्रल ऑफ 5। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d / dt और इंटीग्रल जो है ना इंटीग्रेशन साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा s which is equal to 9.8 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब t है तो t की पावर में प्लस करना है, तो t की पावर में प्लस करेंगे, t की पावर 2 बन जाएगा, यही 2 बटे में भी लिखते हैं। उसके बाद प्लस 5 की इंटीग्रेशन होती है 5t, उसके बाद एंड पे आता है आपके पास c, कोई कॉन्स्टेंट c। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, s which is equal to 2 को 9.8 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 4.9t स्क्वायर प्लस 5t प्लस c। ये जी हमारे पास बेसिकली वो वाला फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला फंक्शन आता है। ठीक है जी, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे t की रिस्पेक्ट से तो ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, अब देखें बेसिकली हमने ये वाली जो वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू t है और ये हमारे पास बेसिकली v है। अब इसको जो इसके अंदर हमने पुट करना है तो पुट कर देते हैं यहाँ पे हमारे पास पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा s ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे हमने जाना वो यहाँ पे बेसिकली s ऑफ t है ना हमारे पास, यहाँ पे s ऑफ t है क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो s ऑफ t की जगह पे 0 पुट किया तो ये बन जाएगा 4.9 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस c। अब s ऑफ 0 किसके बराबर है, s ऑफ 0 बराबर है 10 के, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 10 विच इज इक्वल टू सारा का 0, ये भी सारा 0, c आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब इस c की वैल्यू 10 को इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। पुट करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास s ऑफ t व्हिच इज इक्वल टू 4.9t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। वैसे जैसे हम जो लोग प्रीवियस लेक्चर कर चुके हैं, हमने सिंपल सारे क्वेश्चन में यही करना है कि हमने पहले फाइंड करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और ये जो काम आपने इंटीग्रेशन वाला किया है ये आप लोग रफ में करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इसको क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने फाइंड करने के लिए कि किसका डेरिवेटिव है इसलिए हमने ये इसको यहाँ पे सॉल्व किया। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ से सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका। तो यही है जी हमारे पास फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, ये भी वैसे के वैसे वी विच इज इक्वल टू 32t - 2 कंडीशन दी हुई है, s इनटू 0.5 व्हिच इज इक्वल टू 4। तो यहां पे बेसिकली t का फंक्शन ये बेसिकली आपके पास t और 4 आपके पास बेसिकली v है।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास है ना वो वी किसके बराबर है, डी एस बाई डी टी के बराबर। इसका भी इंटीग्रल यहाँ पे ले लेते हैं, 32t का भी इंटीग्रल लेंगे माइनस टू का भी, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जी आपके पास s इंटू फंक्शन ऑफ t विच इज इक्वल टू 32, वैसे का वैसे आ जाएगा, t का होता जी टी स्क्वायर बाय टू, उसके बाद माइनस टू का होता जी आपके पास 2t प्लस सम कॉन्स्टेंट c आ जाएगा, तो ये बनेगा जी आपके पास s इंटू टी विच इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया तो ये बनेगा 16t स्क्वायर माइनस 2t प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से जो ना आप लोग c की वैल्यू फाइंड कर सकते, कैसे फाइंड करेंगे, एस टी की जगह पे 0.5 यहाँ पे पुट करेंगे, तो t की जगह पे 0.5 पुट किया तो यहाँ पे बन जाएगा 16 इंटू 0.5 का स्केयर माइनस 2 इंटू 0.5 प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोग जो है ना वो s इंटू 0.5 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो 4 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है ना वो आप लोग कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको करेंगे तो ये सारा जो है ना वो आपके पास करेंगे तो क्या होगा, हम कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बनने जा रहा है, s इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारे पास 16 इंटू 0.5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वो आता है जी हमारे पास 4, 4 माइनस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1, उसके बाद प्लस c। अब s इंटू 0.45 बेसिकली किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो यहाँ पे भी आप लोग 4 लिख सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं 4 के बराबर। अब 4 माइनस 1 3 हो तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, अब इसी c की वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, s इंटू टी विच इज इक्वल टू 16t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, इसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है बी विच इज इक्वल टू साइन पाई टी एंड एस ऑफ जीरो विच इज इक्वल, उसने आपको जीरो दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपके पास वैल्यू ऑफ टी एंड ये जी आपके पास वैल्यू ऑफ वी, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसकी इंटीग्रल चेक करके देखेंगे ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमारे पास है जी ये बेसिकली वी बराबर डी एस बाय डी टी के, और यहाँ पे भी आप इसका इंटीग्रल लेते हैं साइन पाई टी का, ठीक है, यहाँ पे डी टी लिखना तो लिख ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी टी और इंटीग्रल आपस में कैंसिल होगा तो एस ऑफ टी यहाँ पे बच चुका। अब साइन की आपके पास इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, जिस तरह साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन इसी तरह से साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे माइनस कॉस पाई टी, लेकिन जो साथ इसके एंगल होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, जो उसका डेरिवेटिव है उसी हिसाब से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन का रूल है। अब पाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई, क्योंकि टी तो हमारे पास वेरिएबल है वो तो 1 हो जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट पाई बच जाएगा, तो पाई के साथ हम इसको कर देना डिवाइड, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल है। ये साइन का आपको इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस पाई टी, और अगेन पाई टी का डेरिवेटिव होता है पाई, वो इसको डिवाइड कर दिया, इसके बाद प्लस सी आ जाता है जी, ये बनेगा जी हमारे पास एस इंटू टी विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर पाई कॉस पाई टी प्लस सी। अब यहां से जो ना वो आप लोग ये आपके पास चीज बन चुकी है, अब यहां से यहां पे जीरो पुट करें, जहां जहां पे टी है देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, जीरो पुट किया तो माइनस 1 ओवर पाई कॉस पाई इंटू 0 प्लस सी। अब कॉस 0 जो है किसके बराबर होता है, आपको पता है कि कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये आपके आपके पास है ना वो 0 1 के बराबर होता है, तो ऐसा आप 0 किसके बराबर, ये भी 0 के बराबर है, 0 विच इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है, तो ये आपके पास बनेगा माइनस 1 ओवर पाई बच जाएगा, माइनस 1 ओवर पाई प्लस सी बच जाए, क्योंकि कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, ये सारा 1 हो गया सारा फंक्शन, और माइनस पाई 1 ओवर पाई यहाँ पे रह चुका प्लस सी। अब 1 माइनस 1 ओवर पाई को इधर लेके आ गया, ये बनेगा 1 ओवर पाई विच इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास सी की वैल्यू। अभी सी की वैल्यू हम लोग इसमें 1 में पुट करते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू हमारे पास है जी माइनस 1 ओवर पाई, उसके बाद है जी कॉस पाई टी प्लस सी की जगह पे हम पुट करेंगे 1 ओवर पाई, 1 ओवर पाई, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको या फिर आप पहले लिख लें फिर भी आपके पास आंसर ठीक है, एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1 ओवर पाई को लिखना चाहते हैं पहले तो पहले लिख लें, उसके बाद माइनस ये बनेगा जी आपके पास कॉस पाई टी बटे में जी आपके पास पाई, ये भी इसका लिख सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट हमारे पास आज का इससे का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, तो इसमें भी हम सबसे पहले इसकी जो है इंटीग्रल के जरिए, ये बेसिकली आपके पास रफ फॉर्मूला है इंटीग्रल वाला जो है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन की हुई है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे पास है जी डी एस बाय डी टी, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद 2 बाय पाई को बाहर लिख लें, ये जी आपके पास कॉस 2t ओवर पाई। अब देखें यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बच जाएगा एस ऑफ टी
विच इज इक्वल टू टू ओवर पाई। अब कॉस की हमारे पास है ना, वो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो हमारे पास बनेगा साइन टू टी, ये हमारे पास साइन टू टी ओवर पाई। अब इसका जो है ना, जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव टू टी ओवर पाई का जो डेरिवेटिव है उसके साथ इसको डिवाइड करना है। टू टी ओवर पाई का डेरिवेटिव क्या होगा, टू ओवर पाई, क्योंकि टी तो आपके पास है ना वो ये वन हो जाएगा, तो टू ओवर पाई बचेगा, टू ओवर पाई के साथ इसको कर देना डिवाइड, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, ये बचेगा जी आपके पास एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू, ये टू ओवर पाई, ये टू ओवर पाई से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर आएगा उल्ट जाएगा, तो ये हमारे पास इसे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा साइन टू टी ओवर पाई प्लस ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली हमने ये कंडीशनिंग में पुट करनी है, मुझे ना वो निकालनी है इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली टी है और ये हमारे पास बेसिकली वी है, तो पाई स्क्वायर पुट करते हैं टी की जगह पे, एस इंटू पाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन टू इंटू पाई का स्क्वायर ओवर आपके पास यहाँ पे पाई, उसके बाद जी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये एक पाई से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये तो बराबर है वन के, तो यहाँ पे वन लिख लें, वन विच इज इक्वल टू साइन एक पाई से कैंसिल, तो ये बच जाएगा टू पाई, उसके बाद जी प्लस सी। अब यहाँ से आप लोग सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, वन विच इज इक्वल टू साइन टू पाई की वैल्यू क्या होती है, देखें आप लोग ये बात जेन में रख लें कि जब साइन के साथ पाई आ जाए और पाई के साथ कोई भी जो है ना वो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा हो, वन हो या आपके पास जो है ना वो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वन टू थ्री, इवन नंबर हो सकता है, कोई आठ नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है। यहाँ पे भी देखें साइन के साथ पाई और पाई के साथ वन हो, टू थ्री फोर, इस तरह से उसकी वैल्यू जीरो ही रहती है। ये जो है ना वो आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब ये बेसिकली ये आपको आइडिया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक मैंने अपलोड की हुई है, उसको याद करके आप लोग सेकंड में साइन की वैल्यू किस पे क्या होती है, कॉस टेन को सेकंड, इन सब की वैल्यूज आप लोग इजीली याद रख सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं उस जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक को, सेकंड में टेबल को कैसे याद करना आप लोग उस वीडियो को लास्ट में देख सकते हैं जाके। तो जीरो पर आप प्लस आपके पास सी और सी की वैल्यू आ गई वन, अब इसी सी की वैल्यू वन को इस वन में पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा जी हमारे पास फाइनल आंसर एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू साइन टू टी ओवर पाई प्लस वन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 सिंपल था, इस जैसे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था वैसे ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजम सब्सक्राइब किया करें, अपने फेलोज का लाजम शेयर किया करें, अगर कोई क्यूरी होती है कोई मसला होता आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।